हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। आज हम लोग सीए फाउंडेशन का जो नया आरटीपी इशू किया है आईसीएआई ने, उसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। आरटीपी मई 2021 में जो पहला क्वेश्चन है वो है ट्रू एंड फॉल्स। आओ पढ़ना शुरू करें। स्टे विथ रीजन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। बोल रहा है बताइए रीजन के साथ जो स्टेटमेंट दिया गया है वो ट्रू है या फॉल्स है। एग्जाम में बहुत रिलेवेंट होते हैं हम लोग के लिए, क्योंकि सर 12 मार्क्स का तो ट्रू फॉल्स ही आ जाता है। पहला क्वेश्चन, गौरी परचेज गुड्स वर्थ रूपीज 75,800 एट 5% ट्रेड डिस्काउंट एंड सी पेड हाफ ऑफ द अमाउंट इन कैश। द अमाउंट अपेयरिंग इन द परचेज बुक इज 36,500 रुपीज। क्वेश्चन बोला है गौरी परचेज की है गुड 75,800 का एट 5% ट्रेड डिस्काउंट और उसने आधा पैसा कैश में दे दिया है। द अमाउंट अपेयरिंग इन दी परचेज बुक इज 36,500 रुपीज। बोल रहा है परचेज बुक में 36,500 रुपीज आएगा। हम बोले ट्रू। कैसे सर? पहला, 75,500 में ट्रेड डिस्काउंट माइनस करते, जैसे हम लोग जानते हैं कि सर जो ट्रेड डिस्काउंट होता है वो अमाउंट से डिडक्ट कर देते हैं, उसके बाद जो अमाउंट बनता है उस पे हम लोगों का एंट्री शुरू होता है। तो 75,000 में 5% को डिडक्ट करेंगे तो जो अमाउंट आएगा वो कितने का आएगा, 72,010 रुपीज। ये है कि सर आप 72,010 रुपीज का गुड्स खरीदे जिसमें से आधा पे कर दिए हैं। तो सर 72,010 रुपीज का आधा अगर हम पेड कर दिए तो इसका मतलब 36,500 रुपीज कैश में हम पेमेंट करके खरीदे हैं और रिमेनिंग 36,500 रुपीज जो है वो क्या है, क्रेडिट में, उधार में। क्या परचेज बुक सिर्फ क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स रिकॉर्ड करता है? हाँ, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स रिकॉर्ड करता है। तो हम लोग का इस क्वेश्चन में क्रेडिट परचेज कितना आने वाला है, 36,500 रुपीज। तो क्वेश्चन में ठीक ही लिखा है कि परचेज बुक के अंदर 36,500 रुपीज आएगा। तो परचेज बुक, क्योंकि हम लोग पढ़े हुए सब्सिडरी बुक, वहां पे हम लोग पढ़े थे सब्सिडरी बुक में कि सर परचेज बुक सिर्फ क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स रिकॉर्ड करता है। यहां पे हम गुड्स खरीदे हैं कितने रुपए का, आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट 72,010। तो सर फिर तो परचेज बुक में 72,010 आना चाहिए। हम बोले नहीं, इस 72,010 में क्वेश्चन बोला है आधा पैसा हम कैश में दे दिए, तो रिमेनिंग जो आधा है 36,500 सिर्फ वही उधार में खरीदे हैं। जो उधार में क्रेडिट में खरीदे हैं वही कहां पे आएगा, परचेज बुक में आएगा, कैश का बात रिकॉर्ड नहीं करता है परचेज बुक। चलिए इसी बात को लिखे, पहला का आंसर क्या होगा, ट्रू। हम बोले चलो क्वेश्चन नंबर वन, उसका फर्स्ट नंबर पहला, आओ आंसर लिखे। क्या आंसर लिखेंगे सर? लिखेंगे ट्रेड डिस्काउंट इज टू बी डिडक्टेड फ्रॉम द अमाउंट टोटल वैल्यू ऑफ रुपीज 75,800 आफ्टर टेकिंग ट्रेड डिस्काउंट इनटू कंसीडरेशन टोटल अमाउंट ऑफ परचेज कम्स टू 72,010 रुपीज। ये है कैसे निकला है, 75,800 का चीज था उसमें सर हमको क्या मिला, 5% का ट्रेड डिस्काउंट। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि सर ट्रेड डिस्काउंट जो है वो टोटल अमाउंट से माइनस करना पड़ता है, तो जब हम माइनस करेंगे तो मेरा टोटल ऑफ परचेज ऑफ गुड्स कितने का आएगा, 72,010, लेकिन इसमें से आधा तो कैश में पे हुआ है और बाकी का आधा क्या है सर, क्रेडिट। तो जो क्रेडिट है सिर्फ वही परचेज बुक में आएगा। तो लिखेंगे हम लोग परचेज बुक रिकॉर्ड ओनली
ओनली क्रेडिट परचेज ऑफ गुड। परचेज बुक क्या रिकॉर्ड करता है? क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। तो यहां पे क्या होगा सर? इन द गिवन क्वेश्चन गौरी पेड हाफ अमाउंट ऑफ गुड्स इन कैश दैट इज रुपीज 36,005 इन कैश। हम बोले हां, गौरी तो आधा पैसा कैश में दे दी, तो जो आधा पैसा वो कैश में पे की है गुड्स खरीदने के लिए वो तो परचेज बुक में नहीं आएगा, लेकिन जो रिमेनिंग 36,005 रुपीज है वो तो क्रेडिट में खरीदे हैं। फिर जो क्रेडिट में खरीदे हैं वही कहां पे आने वाला है? परचेज बुक में। एंड रिमेनिंग हाफ अमाउंट ऑफ गुड्स इज ऑन क्रेडिट, और जो आधा है वो कहां है? क्रेडिट में। हेंस इट विल अपेयर इन द मेरे हर बात क्लियर है कि सर जो आधा अमाउंट क्रेडिट में है, सिंपली बात यही है कि सर लिखे हम कितना ही बड़ा हो, समझने का बात बस यही है कि सर क्वेश्चन में बोला है कि जो आधा पैसा वो कैश में पे की है और आधा पैसा किसमें है? उधार में। तो जो हाफ अमाउंट है वो परचेज बुक में आएगा। हम बोले हां बिल्कुल आएगा, सही बात लिखा है, उसी बात को एक्सप्लेन कर दिए। आइए अगला पॉइंट पढ़ते हैं। ऑल पर्सनल एंड रियल अकाउंट आर रिकॉर्डेड इन पीएल। फॉल्स। पर्सनल और रियल अकाउंट कहां रिकॉर्ड होता है? बैलेंस शीट में, तो वही लिख दो। नंबर टू फॉल्स। ऑल द पर्सनल एंड रियल अकाउंट्स कहां रिकॉर्ड होता है जी? बैलेंस शीट में, ना कि पीएल में। पीएल में थोड़ी रिकॉर्ड होता है, पीएल में तो नॉमिनल अकाउंट रिकॉर्ड होता है, तो सर बैलेंस शीट में। तो दूसरा वाला का आंसर क्या है? फॉल्स। तीसरा, अमाउंट स्पेंड ऑन रिप्लेसमेंट ऑफ वॉर्न आउट पार्ट ऑफ मशीन इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। फॉल्स। हम बोले सर किसी भी फिक्स एसेट्स में एक मेंटेनेंस कॉस्ट तो लगता ही, आप रिपेयर उपेयर कराते रहते, कुछ पार्ट बदलते रहते, तो क्या वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है? फॉर एग्जाम्पल, क्या हम लोग के पास जो बाइक है या कार है, क्या ऐसा नहीं होता है कि साल छह महीना में कुछ ना कुछ उसके अंदर कुछ ना कुछ सामान खराब हो जाता है, हम लोग मैकेनिक के पास जाते हैं, वो कुछ सामान रिपेयर करता है, मेंटेन करता है, बदलता है, तो खर्चा होता है, तो क्या उससे मेरे गाड़ी का कीमत बढ़ जाता है? बोले नहीं, वो तो रेगुलर नेचर का है, वो मेंटेनेंस की टाइप का है सर, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर थोड़ी है। कैपिटल एक्सपेंडिचर होता तो जब भी हम रिपेयर कराते मेरे गाड़ी का कीमत बढ़ जाता। क्या ऐसा होता है कि मैं रिपेयर कराने से मेरा बाइक का कीमत बढ़ जाता है? बोले नहीं। तो हम बोले सर ये जो रिप्लेसमेंट कर रहे हैं वो रिप्लेसमेंट मेनली रेवेन्यू नेचर का होता है, ये मेंटेनेंस कॉस्ट है हम लोग का, तो सर ये बात भी फॉल्स है। लिखिए नंबर थ्री फॉल्स। अमाउंट स्पेंट on the replacement of worn out part of the machine is revenue expenditure। ये क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, सिंस इट इज ए पार्ट ऑफ मेंटेनेंस कॉस्ट।
क्योंकि ये मेंटेनेंस का पार्ट है, तो ये भी हो गया थर्ड नंबर। लिखिए अगला पॉइंट पढ़ते हैं, फोर्थ, व्हेन क्लोजिंग इन्वेंटरी इज ओवर स्टेटेड नेट इनकम फॉर द अकाउंटिंग पीरियड विल बी अंडर स्टेटेड। फॉल्स। मतलब सर बोल रहा है अगर मेरा क्लोजिंग स्टॉक का दाम बढ़ जाए तो मेरा इनकम घट जाता है, क्या ऐसा होता है? बोले नहीं, क्लोजिंग इन्वेंटरी के बढ़ने से तो सर मेरा नेट प्रॉफिट बढ़ जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम बोल रहे हैं हम लोग पीएल अकाउंट बना रहे हैं, क्लोजिंग स्टॉक 1,00,000 और यहां पे बहुत सारा खर्चे उर्चे लिखे हुए, एक्सपेंसेस लिखे हुए हैं, यहां पे कुछ इनकम लिखे हुए हैं, सपोज करो एक्सपेंसेस है 5,00,000 और मेरा कुछ इनकम भी हुआ है, सेल किए हैं, ये सब हुआ है, मान लो इनकम है 8,00,000, तो मेरा जो नेट प्रॉफिट आएगा वो अभी कितना आ रहा है सर? 4,00,000। सीए साहब क्वेश्चन बोला है अगर हम अपना क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा देंगे तो मेरा प्रॉफिट घट जाएगा, आओ बढ़ा के देखते हैं। मान लो सर 1,00,000 के जगह मेरा क्लोजिंग स्टॉक हो गया 2,00,000, तो सर आपका क्रेडिट साइड चेंज हो गया। जैसे ही हम क्लोजिंग स्टॉक को चेंज किए तो मेरा प्रॉफिट क्या हो गया? हमने सर आपका प्रॉफिट बढ़ गया 1,00,000 से, कितना बन गया? 5,00,000। तो क्या क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ाने से जो हम लोग का नेट प्रॉफिट या नेट इनकम होता है वो भी बढ़ जाता है? हम बोले हाँ। तो इसका मतलब जो स्टेटमेंट है वो तो गलत है, क्लोजिंग स्टॉक के बढ़ने से जो नेट इनकम होता है वो ओवर स्टेट हो जाता है ना कि अंडर स्टेट। तो हमारे सर ये भी आंसर फॉल्स है। लिखो फोर्थ नंबर पॉइंट, पॉइंट नंबर फोर फॉल्स। पहला वाला क्या था दोस्त? पहला वाला ट्रू था, फर्स्ट वाला ट्रू था। फोर्थ, व्हेन क्लोजिंग इन्वेंटरी इज ओवर स्टेटेड नेट इनकम क्या होता है फॉर द अकाउंटिंग पीरियड will be overstated, बढ़ जाएगा ना कि घटेगा। यह था फोर्थ पॉइंट। लिखिए, क्लियर होगा एकदम बात की? हां सर ठीक बोल रहे हैं, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ाए तो नेट प्रॉफिट बढ़ा, तो क्लोजिंग स्टॉक के बढ़ने से प्रॉफिट घटता नहीं है, बढ़ जाता है। पॉइंट नंबर फाइव, द एडिशनल कमीशन टू द कंसाइनी Who agrees to bear the loss on account of bad debt is called overriding commission. क्या consignment पढ़ाए हैं हम? हाँ। Bad debt, consignee को हम बोलते हैं कि हम तुमको additional commission देंगे, लेकिन तुमको bad debt अगर होगा तो वो नुकसान तुमको लेना पड़ेगा consignee। तो ऐसे commission को क्या बोलते हैं? डेल क्रेड commission, ना कि overriding commission। Overriding commission तो consignee को तब देते हैं जब वो चीजों को इनवॉइस प्राइस से ऊपर में बेचता है, जितना हम बोलते हैं उससे ही महंगा बेचता है, तो जितना वो अधिक महंगा में बेचता है उसके लिए जो कमीशन देते हैं वो होता है ओवरराइडिंग कमीशन। और बैड डेट से बचने के लिए, कंसाइनर बैड डेट से बचना चाहता है, उसके लिए जो कमीशन देता है उसको क्या बोलते हैं? डेल क्रेड कमीशन। तो क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट लिखा है कि बैड डेट से बचने के लिए जो कमीशन देते हैं उसको बोलते हैं ओवरराइडिंग कमीशन, क्या यह सही है? नहीं, ये गलत है, उसको हम लोग बोलते हैं डेल क्रेडिट कमीशन। तो चलो लिखे फिफ्थ नंबर बात, फॉल्स। स्टेटमेंट क्या था? हम बोले सर जो स्टेटमेंट है वही देख के लिखो, द एडिशनल कमीशन टू द कंसाइनी Who agree to bear the loss
ऑन अकाउंट ऑफ बैड डेट इज कॉल्ड डेल क्रेड कमीशन। ओवरराइडिंग नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं? डेल क्रेड कमीशन। हम बोले हां, यह हुआ पांचवा पॉइंट भी खत्म। पॉइंट नंबर सिक्स, गुडविल इज इनटेंजिएबल एसेट्स, देयरफॉर इट कैन नॉट बी वैल्यूड। गुडविल एक इनटेंजिएबल एसेट्स है, इसलिए इसको वैल्यू नहीं कर सकते हैं। फॉल्स। गुडविल एक इनटेंजिएबल एसेट जरूर है, लेकिन हम इसको वैल्यू कर सकते हैं, तो लिखेंगे फॉल्स। इवन दो गुडविल इज इनटेंजिएबल एसेट्स, इट कैन बी वैल्यूड। इन टर्म्स ऑफ मनी, कि सर इसको हम लोग वैल्यू कर सकते हैं। बोले हां। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए, लिखा है इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर इज पेबल बाय कंपनी टू शेयर होल्डर। जब एरियर होता है, जब शेयर होल्डर, एरियर का मतलब क्या कि सर जब शेयर होल्डर कंपनी को पैसा नहीं भेज पाता है तो क्या कंपनी उसको इंटरेस्ट देता है या शेयर होल्डर कंपनी को इंटरेस्ट देता है? कॉल्स इन एरियर होने पे कौन किसको इंटरेस्ट देता है? कॉल्स इन एरियर कौन करता है? शेयर होल्डर। हम एक कंपनी है, हम शेयर होल्डर से पैसा मांगे, भाई फर्स्ट कॉल का पैसा भेजो, हमको नहीं भेजा। तो अगर वो हमको नहीं भेजा तो कंपनी के लिए तो एक तरह का एरियर बन गया कि उससे पैसा लेना है। वो देर से देगा, अभी नहीं देगा, फाइनल कॉल में देगा। तो जब कंपनी बाद में उससे पैसा लेगा, क्योंकि शेयर होल्डर देर से पैसा दिया है कंपनी को, तय समय पे नहीं दिया है, तो कंपनी उससे क्या मांगेगा कि भाई तुम देर से पैसा दे रहा है, हम जब मांगे तुम तब नहीं दे, किसी और समय दिया है, तो क्योंकि तुम देर से पैसा दे रहा है तो तू क्या देना चाहिए? सर इंटरेस्ट। तो इसका मतलब हुआ सर इंटरेस्ट कौन देगा? शेयर होल्डर देगा। कंपनी थोड़ी इंटरेस्ट देगा एरियर पर, कंपनी एडवांस पे इंटरेस्ट देता है, एरियर पे नहीं। एरियर पे तो शेयर होल्डर को इंटरेस्ट देना पड़ता है, किसको? कंपनी को। तो सर ये भी फॉल्स है। फॉल्स। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर इज पेबल बाय शेयर होल्डर टू कंपनी। कि सर कंपनी नहीं, शेयर होल्डर देगा। हम बोले ठीक। पॉइंट नंबर आठ को पढ़िए, आउटस्टैंडिंग सैलरी फॉर द प्रीवियस ईयर शैल बी सोन एज लाइबिलिटी इन द करेंट ईयर बैलेंस शीट। पिछले साल का आउटस्टैंडिंग सैलरी मेरे इस साल के बैलेंस शीट में आएगा, ट्रू या फॉल्स? सर फॉल्स। पिछले साल का आउटस्टैंडिंग सैलरी सर पिछले साल के बैलेंस शीट में आएगा या इस साल के ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा? हम लोग के क्लोजिंग बैलेंस शीट या करेंट ईयर बैलेंस शीट जिसको बोलते हैं उसमें थोड़ी आएगा, वो पिछले साल का है तो पिछले साल में आएगा। हम बोले हां। तो सर ये भी फॉल्स है। गजब हो गया सर, इस बार तो सब फॉल्स फॉल्स ही आ रहा है आंसर। हम बोले हां, क्या लिखेंगे? आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ प्रीवियस ईयर कहां पे आएगा? हम बोले सर शैल बी सोन एज करेंट लाइबिलिटी। इन दी ओपनिंग बैलेंस शीट किसमें दिखाएंगे? हम बोले सर ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखाएंगे। हम बोले हां, ये ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा। सर नाइन्थ पॉइंट। हम बोले आओ पढ़ें क्या है नाइन्थ पॉइंट।
डिबेंचर होल्डर इंजॉय द वोटिंग राइट इन दी कंपनी। क्या डिबेंचर होल्डर्स को वोटिंग राइट्स होते हैं ना? वोटिंग राइट्स तो सर शेयर होल्डर्स को होते हैं, डिबेंचर होल्डर्स तो कंपनी के क्रेडिटर्स हैं, इनके पास कोई वोटिंग राइट्स नहीं है। तो सर ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स है, फॉल्स। क्या लिखेंगे सर? डिबेंचर होल्डर डज नॉट इंजॉय एनी वोटिंग राइट। डिबेंचर होल्डर्स डज नॉट इंजॉय एनी वोटिंग राइट्स। सिंस ये क्या है? क्रेडिटर्स है कंपनी के, दे आर क्रेडिटर्स ऑफ कंपनी। ये लोग क्या है? क्रेडिटर, दे आर क्रेडिटर्स ऑफ कंपनी। तो क्रेडिटर्स के पास कोई वोटिंग राइट नहीं होता, वोटिंग राइट्स ओनर्स के पास होता है, शेयर होल्डर्स के पास। तो ये था हम लोग का पहला क्वेश्चन, लिखिए।